हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन के पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं और फंक्शन के नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में एंट्री करते हैं, वो है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगला हमारा जो पार्ट है वो होगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स प्रतिलोम फलन। देखिए, ये जो प्रतिलोम फलन का पार्ट है ये फंक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इनवर्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा सा बाकी की तुलना में हम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, तो उसको आपको समझना है। आज मैं इनवर्स के बेसिक फंडामेंटल, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूँ तो आपको, एक बार यदि आपने पैटर्नों को पकड़ लिया तो आप उस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? तो अपन देखते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, हिंदी में अपन कहेंगे इसको प्रतिलोम फलन। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, किसे हम प्रतिलोम फलन कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। इसके लिए दो कंडीशन ये है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है f such that x tends to y, मतलब यहाँ पर x क्या है, y क्या है, x का एक फंक्शन है f such that x tends to y, और इसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि फंक्शन को 1 1 on 2 होना चाहिए, 1 1 on 2, मतलब एकैकी और आच्छादक। ये इसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन को 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। आप ये बात आप कभी नहीं भूलना, इफ ए फंक्शन इज 1 1 and on 2 ऑल्सो देन वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स या इनवर्सिबल। दैट मीन्स यदि कोई फलन एकैकी तथा आच्छादक हो तभी हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है f such that x tends to y, क्लियर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं f इनवर्स such that, इसका जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा f इनवर्स such that y tends to x। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, स्मॉल f से इसको प्रदर्शित करेंगे ये। तो ये इसका इनवर्स इस रूप में लिखा जाएगा। यदि मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो सपोज इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन इट्स इनवर्स इज y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर y क्या है, x का एक फलन है। तो जब हम इसका इनवर्स लिखेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये इसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। यदि फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y इसका प्रतिलोम फलन होगा, इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम फलन को इस तरह से अपन राइट करते हैं, लिखते हैं। तो फंडामेंटल बस इतना ही है। अब आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो क्वेश्चन से आपको क्लियर होते जाएगा कि किस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले कुछ इजी क्वेश्चन अपन देखते हैं ताकि धीरे धीरे मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में क्लियर कर दूं। तो पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। यह तो कुछ लिखने का नहीं, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ये तो ओनली डेफिनेशन है इसका। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को बनाने का जो पैटर्न है लगभग एक जैसा है कि हमको उसको 1 1 on 2 प्रूफ करना होता है। यदि फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है, एकैकी आच्छादक नहीं है, तो उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एकैकी आच्छादक पढ़ाया। जितने भी स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा सजेशन है कि यदि आपने फंक्शन के स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे
तो पहले फंक्शन के फर्स्ट सेकंड पार्ट को आप देखिए तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर के आप इस पोजीशन पर एंट्री करने पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप पीछे देख लेंगे और देख चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, लेट एस इक्वल टू 1, 2, 3, एस एक सेट है, इसका वैल्यू है 1, 2, 3, एस एक समुच्चय है और इसके वैल्यू 1, 2, 3 हैं और वो इस तरह से डिफाइन है, एफ सच दैट एस टेंस टू एक्स, एफ सच दैट एस टेंस टू एस, एस टेंस टू एस, एस इसके मेंबर हैं और इसमें 3 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है, डिफाइन एस बिलो है इनवर्स, इसमें हमको फाइंड करना है एफ इनवर्स है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है क्रमित युग्म एफ इक्वल टू 1, 1, एफ इक्वल 1, 1, 2, 2, 3, 3, सेकंड है एफ इक्वल 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 3, 1 एंड थर्ड इज, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2 एंड 2, 1, ये क्वेश्चन ये हमने लिखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि किस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और किस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, माने यहाँ पर केवल हमको ये तीनों कंडीशन में ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है। अभी मैंने आपको कंडीशन बताया कि किसी भी फंक्शन के इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है कि वह क्या हो, 1, 1 भी हो और 2, 2 भी हो, एकैकी भी हो और अच्छादक भी हो। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते जाते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिया है, यदि इस फंक्शन को आपको मैं मैपिंग की हेल्प से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा आप समझ पाओगे, वैसे एकदम ओरल है, ये है 1, 2, 3 और ये एक्स है, ये सपोज वाई है, तो वाई के जो वैल्यू दिए हुए हैं वो है 1, 2, 3, वो भी क्या है 1, 2, 3 है। और यहाँ पर इसके आप पेयर को देखो, 1 का 1 के साथ में कोडोमेन है इस तरह से, 2 का 2 के साथ में है ऐसा और ऐसा, तो यहाँ पर देखो ये 1, 1 है, 1 का 1 के साथ में है, तो यहाँ पर सब के सब क्या है 1, 1 है और 2 तो ही है क्योंकि इसका हर मेंबर का अपना कोई ना कोई एक इमेज है, क्लियर। तो इस तरह से 1, 1 है फर्स्ट फंक्शन, तो ये इन्वर्स इसका फाइंड कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर एफ इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब एक इसका एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं या इन्वर्टिबल है, प्रतिलोम निकालने योग्य है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर का आप देखिए, सेकंड नंबर को हम चेक करें तो इस तरह से ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 एक्स है वाई है और इसका जो कोडोमेन है मतलब सहप्रांत है ये है 2, 1, 2, 1, 1, मतलब 2, 1 कह सकते हो, उसको दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखो 1 का 2 के साथ में, ये 1 का 2 के साथ में हो गया रिलेशन, 2 का 1 के साथ में, 2 का 1 के साथ में हो गया और 3 का भी 1 के साथ में हो गया ये, तो ये फिर 1, 1 नहीं है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेनी वन, मतलब बहु एकैकी हो गया। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए एकैकी होना आवश्यक है, तो यह बहु एकैकी हो गया, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो सकता है, देयरफॉर नॉट पॉसिबल, मतलब एफ इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, इसका एक एफ इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमने मतलब मैं इस तरह एक्चुअल में इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कि हमने डेफिनेशन में आपको बताया
कि फंक्शन के 1 1 2 एक एक ही अक्षदक होने पर ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ नहीं है। और थर्ड नंबर को भी हम चेक करके देख लें, तो थर्ड नंबर में देखो ये अपन इसका मैपिंग से ज़्यादा ढंग से समझ में आता है, इसलिए मैं इसको इसी की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 1 3 2 एक ही मतलब है, 3 2 1 3 2 1। अब इसका रिलेशन किस तरह से देखो, 1 का 3 के साथ में रिलेशन है, ये 1 का 3 के साथ में है, 3 का 2 के साथ रिलेशन है, ये 3 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ। तो यहाँ पर देखो 1 का 1 के साथ में कोडोमेन है। इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, एफ इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से हम फंक्शन के इनवर्स कब कब फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कभी भी इजी क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। बस एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम चेक कर करके बस बता देंगे। मतलब जो 1 1 होगा, अंटू तो ही है, वो ही इन्वर्स निकलेगा, और जिसका नहीं है वो नहीं निकलेगा। क्लियर? तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इन्वर्स फाइंड करना है। अभी हमने इन्वर्स फाइंड नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ ये बताया कि किस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ इन्वर्स फाइंड करने के लिए, और ये क्वेश्चन है, देखिए ये सब सेलेक्टेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। एफ सच दैट क्यू टेंस टू क्यू, एफ सच दैट क्यू टेंस टू क्यू, और यहाँ पर क्यू का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड करना है अपने को एफ इनवर्स 9 एंड एफ इनवर्स -5, ये दो हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो एक किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन का फंक्शन है और हमको ये दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं फर्स्ट वाला, लेट एफ इनवर्स 9 इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर लिया कि एफ इनवर्स 9 का जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, अब इनवर्स इधर जाएगा तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। इन्वर्स को यदि हम फंक्शन में चेंज करें तो एफ एक्स के साथ में चला जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 9 लिखा जा सकता है। अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया इन्वर्स का, दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स हमको पता है, क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देयर फोर एक्स इक्वल टू +-3। और यहाँ पर क्यू क्या है, ये इंटीजर एक्स माइनस +-3 निकल जाएगा। सेकंड पार्ट को हम चेंज करें, चेक करें, तो यहाँ पर आप देखो एफ इनवर्स 9 का वैल्यू, देयर फॉर एफ इनवर्स 9 को हमने x सपोज किया है और x का वैल्यू ये इतना निकला, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स 9, क्योंकि x को हमने सपोज किया है एफ इनवर्स 9, तो एफ इनवर्स 9 इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड +3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का यदि हम फाइंड करना चाहें इसको, तो वैसे इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा एफ इनवर्स -5 इक्वल टू हमने सपोज एक्स मान लिया, दैट इम्प्लाइज अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -5, दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। ये अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर हम इसके यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो माइनस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजनरी नंबर होता है, अधिकल्पित राशि होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए हम क्या है
एफ इनवर्स माइनस फाइव फाइंड नहीं कर सकते। आप लिख दोगे वी कांट फाइंड एफ इनवर्स माइनस फाइव। तो ये है इस फंक्शन के बेस पर, इस फंक्शन के बेस पर इनवर्स फाइंड करना। तो एक इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्वेश्चन को चेक भी करना है कि इनवर्स फाइंड किया जा सकता है कि नहीं। फिर यदि फाइंड किया जा सकता है तो हम उसका इनवर्स भी फाइंड करेंगे। क्लियर? ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छे। धीरे 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 अपन वन बाई वन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते जाएंगे। पढ़ने का तरीका यही है कि आप मैथमेटिक्स में एक आध दो क्वेश्चन तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर करो। हम लोग बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हम सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं, जिसके कारण हमको समझ में ही नहीं आता। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, वो है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मतलब ये आर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, एंड देखो देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देगा आपको ना, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री ये दिया, और आगे बोलता है सो दैट एफ इनवर्स इन्वर्टिबल। सो दैट एफ इनवर्स, ठीक है, सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्सिबल ये पूछा है, एंड फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड फाइव एफ इनवर्स। एक बार क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी ढंग से समझा दूं। हमारा क्वेश्चन है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मतलब यहाँ हमारा फंक्शन एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और फंक्शन का वैल्यू दिया है फोर एक्स प्लस थ्री, और हमको बोलता है एफ इज इन्वर्टिबल, मतलब क्या है ये विलोम है, मतलब इसका विलोम फाइंड किया जा सकता है, ये दिखाना है, शो करना है, और यदि किया जा सकता है तो उसको हमको फाइंड भी करना है, एफ इनवर्स का मान भी निकालना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में, चूंकि हमको ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, तो क्या सिद्ध करेंगे सबसे पहले कि ये वन वन है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले फार वन वन, फार वन वन, ये हम पहले वन वन प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उसको वन वन मतलब एकाएकी, ठीक है, वन वन मतलब एकाएकी और आच्छादक हम प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक वो क्या नहीं हो सकता, इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, प्रतिलोम नहीं हो सकता। तो वन वन कब होता है, जब हमको पता है फंक्शन ऑफ एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स टू के बराबर होता है। ठीक है, तो चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स वन बराबर होगा फंक्शन ऑफ एक्स टू के, क्योंकि वन वन का कंडीशन है ये, वन वन में फंक्शन इस तरह का प्रॉपर्टी में अपन पहले पढ़े हैं, दैट इम्प्लाइज इसको आगे सॉल्व किया जाए तो फंक्शन ऑफ एक्स वन को इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं फोर एक्स टू प्लस थ्री, क्योंकि जो एक्स वन वेरिएबल है उसको यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं, फंक्शन में हम उसके मान को रख दिए, दैट इम्प्लाइज दोनों साइड से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा फोर एक्स वन इक्वल टू फोर एक्स टू, देयर फोर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, वन वन है, फंक्शन एकाएकी है, क्योंकि एक कंडीशन है हर एक का एक क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, एकाएकी। आपने एकाएकी और आच्छादक का बहुत सारा क्वेश्चन पीछे बनाया है, इसलिए इनवर्स निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम है तो फिर आपको पीछे देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर अपन पार्ट में देख लें इसका क्या, ऑन टू प्रूफ करें, ऑन टू मतलब क्या, आच्छादक। अब इसको हम आच्छादक प्रूफ करें, तो आच्छादक प्रूफ करने के कंडीशन में क्या होगा, देखो आच्छादक प्रूफ करने के लिए यदि फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो तो वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो हमको दिया वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, हमको पता है चूंकि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये हमको पता है। अब इसके वैल्यू को हम देखिए पैटर्नों को पकड़ते जाइए कि हम वन वन कैसे प्रूफ करेंगे आन टू, तो आन टू प्रूफ करने के लिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट इम्प्लाइज अब क्या करना है, y इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x के वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर दो,
तो क्या है 4x प्लस 3, ये हो गया 4x प्लस 3। और ध्यान रखना इसको सॉल्व करके, हमेशा हर क्वेश्चन में यही करना है, इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो y माइनस 3 अपॉन 4, ये x का वैल्यू हो गया। देयरफॉर यदि हम इसके बेस पर यदि इसको फंक्शन लेना चाहें, दोनों साइड को फंक्शन ले लें, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4, ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हमने टेकिंग फंक्शन बोथ साइड, दोनों साइड का फंक्शन ले लिया। दैट इम्प्लाइज अब हमको पता है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल, अब ये जो आप लिखे हैं f के अंदर x, ये पूरा फंक्शन है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये x की तरह बिहेव करेगा। अब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अपने पास ये है, और x का वैल्यू अब हो गया y माइनस 3 अपॉन 4, तो इस y माइनस 3 अपॉन 4 को इस फंक्शन में x के जगह में रखा जा सकता है। यही करते हैं अपन आन टू के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान को रख दें, इसके वैल्यू को पुट अप कर दें, तो 4, और ये x है, तो y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3, दैट इम्प्लाइज 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस 3 दैट इक्वल टू y। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, जब इस तरह का केस होता है तो क्या होता है, वो अनटू होता है। ये आच्छादक हो गया, आप हिंदी में लिख सकते हैं आच्छादक लिखा है मैंने ये, तो ये 1-1 भी प्रूफ हो गया और ये अनटू भी प्रूफ हो गया। दैट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब अतः फंक्शन का प्रतिलोम हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि दिखाओ कि वो प्रतिलोम निकाला जा सकता है, तो पहला आंसर मिल गया, क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन के प्रतिलोम निकालने के लिए उसका 1-1 और अनटू होना चाहिए, क्लियर। अब हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एफ इनवर्स। अब हमको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि हमको पता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका जो वर्किंग स्टेप है वो आच्छादक निकालने जैसे, एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दिमाग में बिठाओ, हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपको करना है, हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर करना है, क्लियर। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अपने को पता है कितना, 4x प्लस 3, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखो देयरफॉर यहाँ पर y इक्वल टू 4x प्लस 3, x का जो मान निकाल लिया यहाँ पर, जो हमने निकाला x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, हमको चाहिए f इनवर्स। अब चूंकि हमको पता है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया था यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y होता है, तो x इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y होता है, ये मैं स्टार्टिंग डेफिनेशन में आपको बताया, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये जो x है, इस x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसा होता है इनवर्स के परिभाषा से, इनवर्स के डेफिनेशन से। तो आगे हम इसको यदि सॉल्व करें, तो f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4। देयरफॉर अब देखो फंक्शन की विशेषता है कि हम दोनों साइड में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर y है, तो y की जगह में यदि मैं कोई a b c d x y z पुट करूँ, तो दोनों साइड में उस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f इनवर्स, इसको मैं x लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा इसका इनवर्स का आंसर। इस तरह से इसका इनवर्स फाइंड हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हो गया 1-1 अन टू, मतलब ये इन्वर्सिबल है, और वो हो गया इसका इनवर्स। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के पैटर्न पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि इसका वर्किंग स्टेप आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो आप इस तरह के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में अलग अलग स्टेट के CBSE में कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, और उस क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मैं इजी से डिफिकल्ट करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, फिर आप कुछ नए क्वेश्चन लेके आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है यदि, तो आप ले सकते हैं, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका।
चलिए एक फंक्शन अपन और लेते हैं और इसी पैटर्न पर उसका भी हम इन्वर्स फाइंड कर लें, सेम पैटर्न पर। इन्वर्स में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो इसका वर्किंग मेथड है, मतलब वर्किंग स्टेप्स है, काम करने का जो स्टेप्स है, वो हर क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा। इसलिए यदि आप एक बार दिमाग में बिठा लिए प्रोसेस कि मुझे बनाना कैसे है, तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफ़िकल्ट होने के बाद भी है, ईजी है, यदि आपको पैटर्न क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन से पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। एफ सच दैट आर टेंस टू फोर टू इन्फिनिटी, एफ सच दैट आर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, टेंस टू ये है फोर जो कि क्लोज्ड इंटरवल है, असल है इन्फिनिटी। ये मतलब यहाँ पर r एक वास्तविक संख्या है और भी धनात्मक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ऐसे भी इसका रेंज कहाँ तक है, 4 से स्टार्ट होगा और अनंत तक होगा, मतलब इसके अंदर में सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि 4 और अनंत के बीच में, 4 और इन्फिनिटी के बीच ओनली पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये हमको दिया हुआ है। और साथ में हमको फंक्शन ऑफ x दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। पहला क्वेश्चन यही है, पहला सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, जो अभी बताया था हमें कि वो इन्वर्टिबल, ये प्रूफ करना है पहला। और दूसरा पार्ट इसमें प्रूफ करना है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, प्रूफ करना है एंड एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमको प्रूफ ये भी प्रूफ करना है, वो लाना है अपने को रूट ऑफ एक्स माइनस 4, रूट ऑफ एक्स माइनस 4। ये दो क्वेश्चन हैं जो ब्लू इंक से मैंने लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये गिवन है कि फंक्शन ऐसा है और हमको दिखाना है कि यह इन्वर्सिबल है, प्रतिलोम है, और उसका जो प्रतिलोम है वो इतना होगा। मतलब इसमें आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, इसको शो करना है, दोनों बात को शो करना है कि एफ इज इन्वर्सिबल एंड फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सॉल्यूशन का जो पैटर्न मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 1 1, पहला पॉइंट है हमारा 1 1, मतलब हम निकालेंगे एकाएकी, पहला काम हमारा एकाएकी फाइंड करना है। क्लियर, तीन पार्ट में अपन वैसे ही बनाएंगे, एकाएकी, आच्छादक, फिर इन्वर्स, यही इसका पैटर्न है, आप दिमाग में बिठा लो जो बता रहा हूँ। एकाएकी के लिए कंडीशन क्या है, अपने पता है, चूँकि फंक्शन ऑफ एक्स वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू, दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन ऑफ ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वन ना ये एक्स टू स्क्वायर प्लस 4, दोनों तरफ से 4 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर इसको गुणनखंड तोड़ लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करने से हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। बट यहाँ पर देखो एक्स वन प्लस एक्स टू नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वन एक्स टू दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है जो इसके बीच हैं, और दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, दो पॉजिटिव नंबर का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और जब एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो जाता है, अभी मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लोगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, अतः फंक्शन क्या है 1 1, इसको थोड़ा डिटेल में लिख लोगे, चूँकि ये 1 1 के प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट अपन देखें ऑन टू मतलब आच्छादक, अब हम आच्छादक प्रूफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। आच्छादक प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, आच्छादक प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है ये है, सबका पैटर्न एक जैसा है, आप एक बार दिमाग में बिठा लो,
ये तो बहुत बार आए हुए क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस फोर, देयर फोर एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर, जो कि इसके बिटवीन में डिफाइन है। ये रेंज इसीलिए दिया है कि हमको इसके बीच में डिफाइन है, तो नेचुरली वो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है y माइनस फोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको हम क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज सॉल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। तो ये y है, ये x है और ये y माइनस फोर। तो यहाँ पर हम दोनों साइड का फंक्शन ले लें, दोनों साइड का फंक्शन यहाँ पर ले लें, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसको भी फंक्शन में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ रूट ऑफ y माइनस फोर। दैट इम्प्लाइज अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो फंक्शन ऑफ x है वो y के बराबर होता है कि नहीं। तो फंक्शन के अंदर में जो लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ y माइनस फोर, ये काहे का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर जो x है उसके जगह हम पुट कर सकते हैं रूट ऑफ y माइनस फोर, तो क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ y माइनस फोर का होल स्क्वायर और प्लस फोर, ये दैट इक्वल, रूट हटेगा तो हो जाएगा y माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू वाई। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई, ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। एक बार मैं बता रहा हूँ, इन्वर्स निकालने में बहुत से स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेरा तो रेगुलर एक्सपीरियंस है इतना ला, बहुत से स्टूडेंट्स सर इन्वर्स नहीं निकलता, इन्वर्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। अभी कई लोग कमेंट्स में लिखे कि सब इन्वर्स बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं है, आन वन वन ऐसे ही प्रूफ करना है, आन टू ऐसे ही प्रूफ करना है, एक बार आप पैटर्न को पकड़ लो बस, उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, ये फंक्शन इज आन टू, मतलब क्या हो गया, वो आच्छादक भी हो गया, और जब वह एकैकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, वन वन भी हो गया, आन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया। अब सेकंड हमको ये प्रूफ करना है कि यदि वह प्रतिलोम निकल सकता है उसका, तो फिर उसका प्रतिलोम फलन कितना होगा, उसका इन्वर्स फंक्शन कितना होगा, ये निकालना है। तो थर्ड नंबर का हमारा इसका सॉल्यूशन है, फाइंड एफ इन्वर्स, यह प्रूफ करना है हमको। ये तो मैंने बताया था कि इसका 50% जो यहाँ तक का पोर्शन होता है आन टू वाला होता है। तो क्या लिख लेंगे अपन, सिंस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, अब तो आप समझ जाएंगे वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दैट इम्प्लाइज एक्स के लिए सॉल्व करो तो रूट ऑफ वाई माइनस फोर। देयर फोर अब यहाँ पर आप दोनों साइड का फंक्शन लेते हो, और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि x को लिख सकते हैं f इनवर्स y, क्योंकि x इक्वल टू f इनवर्स y होता है, इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ y माइनस फोर। देयर फोर अब हम इस y वेरिएबल को x में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो देयर फोर f इनवर्स x, अब इसको क्या लिख दिया मैं, x इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस फोर। और ये जो लास्ट में आया आप देख रहे हैं, यही बात हमको क्या करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस फोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रूफ्ड हो जाएगा। तो कितना आसान है आप समझ सकते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें भी यही पैटर्न, इसमें सभी क्वेश्चन यही पैटर्न। तो ये है इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए आप इसके बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और अपने कोई भी बुक आपके पास जो कंसल्ट करते होंगे, आपका जो टेस्ट बुक आपके पास होगा, एनी वन, बहुत सारे बुक और राइटर के पीछे भागने का नहीं है, जो बुक आपके पास है उस बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आप सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ। ओके, थैंक यू।